अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सचेंज, जो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनको बाहर से डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से, जो डॉलर इंपोर्ट करने के हवाले से या फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट करने के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी हैं, और अब एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो अगर उनको ज़रूरत है तो वो कैश इंपोर्ट कर सकती हैं एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स के अगेंस्ट। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया है और उसमें ये कहा गया है कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं बवक्त ज़रूरत या बकदरे ज़रूरत US डॉलर्स को इंपोर्ट कर सकती हैं एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की वैल्यू के अगेंस्ट, और 5 दिनों के अंदर अंदर ये किया जा सकता है। और ये इंपोर्ट जो होगी वो रिप्यूटेड कार्गो या सिक्योरिटी कंपनीज़ के थ्रू मंगवाई जा सकती हैं। और ये इजाज़त जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है, और इसमें ये कहा गया है कि इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। टोटल जो कैश US डॉलर्स जो आप मंगवा सकते हैं वो इस पीरियड के दौरान जो टोटल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स हैं उनके 50% की वैल्यू की हद तक मंगवाई जा सकती हैं। और स्टेट बैंक ने इस हवाले से ये कहा है कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उन्हें तमाम रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस की पासदारी करनी होगी, और उसमें वो लॉज भी शामिल हैं जिस कंट्री से आप मंगवा रहे हैं वहाँ के जो लॉज हैं, रेलेवेंट लॉज हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। और उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन एक्सचेंज कंपनीज जो इंपोर्ट करेंगी कैश, उसको रिफ़्लेक्ट करना भी ज़रूरी है। और इस हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन है पाकिस्तान की, ECAP उसको कहते हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी जफ़र पराचा ने कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की गई है और अब एक्सचेंज कंपनीज़ को डॉलर बाहर से लाने की इजाज़त दी गई है, ये एक वेलकम स्टेप है, और इससे जो ओपन मार्केट और जो स्टेट बैंक का रेट है डॉलर का, उसमें चूंकि काफ़ी सारा गैप होता है और पिछले दिनों ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसको कम करने में मदद मिलेगी। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, जो करेंसी बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, और क्या ये डॉलर रेट में कोई स्टेबिलिटी इससे आ सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगी तो उम्मीद ये की जा सकती है कि उससे डॉलर का रेट कम होगा, क्योंकि ये डिमांड बेस्ड रेट्स होते हैं। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।